हाई स्पीड एक्शन देख रहे हैं आप काराकोरम एक्सप्रेस का। कितने का देते हो यार? 60 रुपए का कंबल, दोनों 150 रुपए में एक कंबल और तकिया। यहाँ पर मिलेगी हमें एक कोल्ड ट्रेन। और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग की है GU40 ने। 95 किलोमीटर की रफ़्तार से ज़ीरो तक आने में मेरे ख्याल में 15 सेकंड से 20 सेकंड लगाए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर। आज 26 जनवरी सन 2022 है और आज हम सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान की किंग ट्रेन 42 डाउन काराकोरम एक्सप्रेस में लाहौर से फैसलाबाद। तो तकरीबन 2 घंटे का ये सफ़र होगा हमारा और फास्टेस्ट एक्शन हम कवर करेंगे लाहौर से फैसलाबाद। तो चलिए चलते हैं काराकोरम एक्सप्रेस में। GU40 आज लीड कर रहा है 42 डाउन काराकोरम एक्सप्रेस को। ट्रेन रेक भी पहुंच गया इस वक्त 42 डाउन का और 1 नंबर कोच में सामने ही है, इसमें ट्रैवल करेंगे अपना फैसलाबाद तक। तो 42 डाउन का जो रेक है उसको रीहैब किया गया और CNR कोचेज़ जो हैं उसमें ऐड की गई हैं एक रेक के अंदर। जी 9037 GU40 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव जनरल इलेक्ट्रिक का वो अटैच हो गया है 42 डाउन काराकोरम एक्सप्रेस के साथ। 3 बजे निकलेगी शाम को ट्रेन यहाँ से और 5:10 पे ये पहुँचेगी इंशाल्लाह फैसलाबाद। नॉन स्टॉप ट्रेन है तो चलते हैं, चल के अपने नॉन स्टॉप फास्टेस्ट ट्रेन जर्नी का आगाज़ करते हैं। ये भी चाय लेते हैं यहाँ से और जाके अपनी सीट पर बैठते हैं। 1 नंबर डब्बा है वो सामने लगा हुआ है बिल्कुल इंजन के पीछे और 19S सीट है, सिंगल सीट है मेरी। डिपार्चर विसल कर दिया है जी 9037 GU40 ने और राइट टाइम इंशाल्लाह निकलेंगे। पूरे 3 बजे ट्रेन लाहौर जंक्शन छोड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट कर रही है ट्रक, अभी राइट टाइम चल रही है। दासने का तेरे को पूछा नहीं, दासने ठीक है तेरे को दास। इस वक्त रिवर रावी से ट्रेन हमारी पास हो रही है और अपकमिंग जो रेलवे स्टेशन है वो शाहदरा बाग जंक्शन होगा। वहाँ से हम ML1 छोड़ के शाहदरा बाग सांगला हिल ब्रांच लाइन के ऊपर डाइवर्ट हो जाएंगे। शाहदराबाद जंक्शन से पास हो रहे हैं। सर यहाँ से देखें आप लोग, ये सामने वाली जो लाइंस हैं तो इसमें जो सेंटर वाली लाइन है आगे जा रही है, ये ML1 है, सिंगल लाइन शाहदरा से लेके चकलाला रेलवे स्टेशन तक, और उससे आगे साथ एक और लाइन है वो नारोवाल की तरफ निकल जाएगी, जो बेसिकली शाहदरा बाग शाह कमरू रेलवे लाइन है। और हम यहाँ से डाइवर्ट हो गए हैं शाहदरा बाग सांगला हिल ब्रांच लाइन के ऊपर। तो कराकरम एक्सप्रेस 42 डाउन अपना सफ़र सांगला हिल तक जो है वो इस ब्रांच लाइन के ऊपर जारी रखेगी। सेंटर वाली लाइन ML1 और उससे आगे वाली लाइन शाहदरा बाग शाह कमरू ब्रांच लाइन। ये लेफ़्ट हो गए हम शेखुपुरा की तरफ और शेखुपुरा से आगे सांगला हिल। ब्रांच लाइन पे अभी तक की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर पर आवर के ऊपर अचीव की हुई है ट्रेन ने। और G40 की जो चेकिंग है वो आप सुनते हुए आ रहे हैं। मिसन काला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है ट्रेन हमारी अभी। किला सतारशाह रेलवे स्टेशन से पास हो रहे हैं हम, और अपकमिंग जो बड़ा स्टेशन होगा वो शेखुपुरा का होगा, शेखुपुरा जंक्शन। यहाँ रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रहे हैं और थोड़ी सी स्पीड गेन की है। 42 डाउन कराकरम जंक्शन से स्किप हो रहे हैं और टाइम हुआ है 3:50। अभी शेखुपुरा सिटी से हम पास हुए हैं तकरीबन 95 की स्पीड पे, और 42 डाउन और 41 अब दोनों ट्रेन्स का यहाँ पे स्टॉप नहीं है। एक चीज़ मैं साथ साथ बताता चलूँ कि शेखुपुरा की जो लोग हैं वो सब कराची की तरफ सफ़र करते हैं, अंदरूने से भी सफ़र करते हैं, तो बेहतर होगा कि अगर शालीमार एक्सप्रेस या शाह हुसैन एक्सप्रेस दोनों में से किसी एक ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप दिया जाए, क्योंकि तीनों जो बड़ी ट्रेन्स हैं तीनों ट्रेन्स का किसी का भी स्टॉप जो है वो शेखुपुरा जंक्शन पे नहीं है। तो शेखुपुरा की जो आवाम है वो उनको कराची जाने के लिए जो है वो मुश्किल है, और जब तक ट्रेन नहीं होगी उनकी वो मुश्किल जो है उनकी बरकरार रहेगी। तो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो काइंडली इस स्टॉपेजेस के ऊपर जो है थोड़ी सी गौर व फिक्र करें। शाह हुसैन एक्सप्रेस का स्टॉप जो है वो दिया जा सकता है शाम को। फरुखाबाद रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रहे हैं हम और होपफुली 43 अब शाह हुसैन के साथ जो हमारा क्रॉस है वो सफदराबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर होगा। लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, आगे नहर है बड़ी और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकिंग की है GU40 ने। $95 किलोमीटर की रफ्तार से ज़ीरो तक आने में मेरे ख्याल में 15 सेकंड से 20 सेकंड लगाए होंगे। अभी हम ये खड़े हुए हैं नहर के ऊपर। नहर के बारे में बता दूं आपको कि ये कादराबाद बल्लो की लिंक कैनाल है और तकरीबन 1 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकने के बाद अभी रवाना हो रही है। जी की चेकिंग सुनाई दे रही है, वन ऑफ द बेस्ट चेकिंग ऑफ एनी लोकोमोटिव। CNR कोच के अंदर जो सीट्स हैं वो इस किस्म की हैं। और इसका जो फोम है वो समझ लें ना होने के बराबर है। तो मैं इस पर ऐसे बैठा था जैसे फोम होगा, पर मुझे जो है नीचे फटा जो है वो महसूस हुआ, जैसे लकड़ी का तख्ता होता है। तो इस किस्म की सीट्स हैं यहाँ पे, अभी आपको आवाज़ भी आई होगी। तो फेयर मैं आपको बता दूं कि लाहौर से फैसलाबाद का जो फेयर है वो 550 रुपये है सिंगल सीट का, और जो बाकी ट्रेन्स की नस्बत काफ़ी ज़्यादा है। और इसका जो कराची तक का फेयर है वो 2250 रुपये है। तो ओवरऑल बेस्ट ट्रेन है। और मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपने लाहौर से फैसलाबाद या फैसलाबाद से लाहौर ट्रैवल करना है तो ये बेस्ट ट्रेन है, नॉन स्टॉप है और अच्छी टाइमिंग है। 2 घंटे तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये लाहौर से फैसलाबाद पहुंच जाती है। ओवरऑल जो कोच है अंदर से वो इस किस्म की दिखती है, जैसे भी आपको नज़र आ रही है। और इसमें फ़ैन लगे हुए हैं, लाइट्स भी हैं जो अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ की जा सकती हैं। बाकी ये बर्थ वगैरह हैं, अपर बर्थ है, उसके बाद ये दरमियान वाली बर्थ है और ये नीचे लोअर है। भाले के रेलवे स्टेशन के ऊपर से हम गुजर रहे हैं और सामने GU40 के साथ 9052 शाह हुसैन एक्सप्रेस खड़ी हुई हुसैन एक्सप्रेस का। ये वाला रैक भी काफ़ी बेहतर हालत में नहीं लग रहा है, इसको भी रिस्टोर करने की ज़रूरत है। हैदराबाद अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पे 100 प्लस चली गई है अभी ट्रेन। पास लिया है यहाँ पे 42 डाउन काराकोरम एक्सप्रेस अभी सांगला हिल आउटर सिग्नल के ऊपर हम रुके हुए हैं और सिग्नल अभी डाउन नहीं है हमारी ट्रेन के लिए। आउटर पे 1 मिनट खड़े होने के बाद हम यहाँ से स्लोली अप्रोच बना रहे हैं सांगला हिल जंक्शन पे। सामने आपको खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन नज़र आ रही है और उसके ऊपर सामने से 35 अप अप्रोच करती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि उसको लूप लाइन पे लें क्योंकि स्टॉप है उसका सांगला हिल पे। ये हमारी ट्रेन भी लूप लाइन पे ले लिया गया क्योंकि सामने 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस खड़ी हुई है GU20 की लीड के साथ। और ये ट्रेन यहाँ पे ना खड़ी होती है तो हमने यहाँ से थ्रू पास होना था। देते हो यार 60 रुपए का कंबल दोनों 150 रुपए में एक कंबल और तकिया। और वापस कब लोगे? सुबह 8 बजे वापस ले लोगे। हाँ ये न्यूज़ चल रहा है और अगर 8 बजे तक कोई ना उठे तो 9 बजे ले लेंगे सर। 9 बजे ले लेंगे फिर, चलो ठीक हो गया। दोस्तों G40 की जगिंग और उसका बहुत ही खूबसूरत हॉर्न आप सुनते आ रहे हैं पूरे रास्ते। इस वक्त हम डाइवर्ट हो चुके हैं खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे, जो थ्रू आउट खानेवाल तक चलेगी और कराकोरम अपना सफ़र इस रेलवे लाइन पे जारी रखेगी। जो कुल लंबाई है इस रेलवे लाइन की वो है 325 किलोमीटर वज़ीराबाद से लेके खानेवाल तक। आप देखें कि खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे 113 किलोमीटर के ऊपर कराकोरम एक्सप्रेस दौड़ रही है, तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो रेलवे लाइन है इसकी हालत कतरे बेहतर है बनस्बत शाहदरा बाग सांगला हिल ब्रांच लाइन के। दारुलहसान रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हुए और स्पीड जो है वो कम से कम 110 किलोमीटर और 115 किलोमीटर प्रति घंटा के दरमियान में देख रहे हैं आप कराकोरम एक्सप्रेस का। नॉर्थ कैबिन के पास से गुजरे हैं और ये बाईपास लाइन नज़र आ रही है आपको, जो चनियोड और आगे सरगोधा की तरफ जा रही है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से पास होंगे, यहाँ पर मिलेगी हमें एक कोल ट्रेन। हमने अप्रोच बनाई है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से 2 मिनट लेट। आज आपने देखा है 42 डाउन का फास्टेस्ट सेक्शन इकोनॉमी क्लास के अंदर। एक बार फिर आपको बताऊंगा कि काराकोरम एक्सप्रेस लाहौर से फैसलाबाद और फैसलाबाद से लाहौर ट्रैवल करने के लिए बेस्ट ट्रेन है और इसमें सिर्फ 2 किस्म की जो क्लासेज हैं वो इंक्लूडेड हैं, जिसमें इकोनॉमी क्लास और एसी बिजनेस। कितनी सवारी जो है वो मौजूद है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पे काराकोरम एक्सप्रेस में सवार होने के लिए। मौजूद हैं राशिद भाई अपने बेटे के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो भाईजान? की हाल है? खैरियत है? कैसा सफ़र? पता ही नहीं लग गया यार, मज़ा कराया ना। हाँ अच्छा सफ़र थी, 113 किलोमीटर अचीव की थी स्पीड फैसलाबाद तो पहले। तो दोस्तों सांगले दे कोल, हाँ सांगले दे कोल। तो अभी हम आपको इसका डिपार्चर दिखाएंगे और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आप साइट्स एंड साउंड को ऐसे ही देखते रहेंगे और हम आपको मज़ीद बेहतर वीडियोस जो हैं वो दिखाते रहेंगे। फोर्टी टू डाउन डिपार्ट कर रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से, तकरीबन 5 से 7 मिनट का स्टॉप किया है इसने।